अय्यागंज की एक टीम आई है और उसके कैप्टन हैं ये उजैर भाई। ये लड़ाएंगे पहला पेज और हमारी और है चचा नीचे से लड़ाते हुए पहला पेज। चरखी दिखा रहे हैं रेहान, तुम्हारे पापा कटेंगे बेटा आज देखना। और हवा कम है, थोड़ा सा बारिश वाला मौसम, पुरवाई की तरफ हवा, ऊपर से उजैर पतंग उड़ा रहे भारी मकर टाइप में, कम हवा में चलाते हुए। नीचे से चचा धीरे धीरे पतंग को ऊँचा करते हुए पतंग को उतारा, सीधी पतंग उतारी, चचा रोके है, सीधी पतंग उतारी बाहर के मुंडे पे, चचा ताकत खींचा, तेते थपकी मारी लेकिन कट गए। अब देखते हैं उजैर की पतंग आती है कि नहीं, पतंग नहीं निकली, लगता है पतंग चली गई उजैर की भी। और ये निकल के आ गए तो पेज मिल गया, एक एक पेज पूरा कर लिया उजैर ने। जीशान भाई लड़ाएंगे अपना दूसरा पेज, अपोजिट टीम मेंबर लड़ाएंगे पहला पेज। जीशान भाई पतंग को भी रोके हैं, जीशान भाई नीचे जगह लेते हैं, अपोजिट टीम में गद्दा मार रहे सीधा, फिर तो रुके, जीशान भाई पतंग को उठाई, अपोजिट टीम में गद्दा मारते फिर तो उठा लेगा जीशान भाई, ताकत से खींचा अपोजिट टीम मेंबर भी खींचते हुए क्यों पेज, और ये अपोजिट टीम मेंबर कट गए। एक दो पेज पूरे कर लिया जीशान भाई, दो पेज पूरे कर लिए, ये रहा खींच खींच के दो कर लिए भाई, बस दो पेज लड़े हैं, दो से तीन और हवा चली गई है। सीधे सीधे उतार, टाइट टाइट ना करो, चचा भी अपनी पतंग उतार ले रहे हैं, करते रहो इसी उतारते रहो, तेज तेज करो। ये सारे मेंबर अय्यागंज टीम के, और ये हैं कैप्टन उजैर, अगर हवा नहीं चलती तो ये जरूर तय रखते हैं, इनका नंबर देते हैं बिन हवा में पतंग लाने के लिए। उजैर भाई अपना नंबर बता दीजिए, कोई आपसे अद्दी का शौक करे बिन हवा में तो किस नंबर पे बात करे। 96 28 83 96 तो ये नंबर है, और लखनऊ में आपको अद्दी का शौक करना है तो आप उजैर भाई की टीम से लड़ा सकते हैं। मेंबर कुछ कुछ बदलते रहते हैं, कुछ मेंबर तो आपको अद्दी पौना मिक्स है, सिर्फ अद्दी अद्दी की भी अद्दी लड़ाते हैं, मंजोली बीच में उड़ रही है। तो ये मेंबर हवा भाई चली गई, हवा आए थोड़ी सी तो थोड़ा शौक हो पाएगा। जब भी अपोजिट टीम के मेंबर ने पतंग बढ़ा दी है और जीशान भाई ने दो काट के उठा ली थी अपनी पतंग, और तीसरा ये देखिए बिल्कुल जीशान भाई के पीछे ही खड़े, बिल्कुल फटाए नहीं ले रहे, नीचे लड़ाएंगे जीशान भाई अपना तीसरा पेच। जीशान भाई नीचे से जगह ले रहे हैं अपने तीसरे पेच के लिए, पॉजिटिंग में गद्दा मार रहे हैं, जीशान भाई और जगह लेते हैं, पॉजिटिंग में गद्दा मारते हैं, रुके फिर से गद्दा मारे, पॉजिटिंग में सीधा जीशान भाई रोकने पट पे खींचते हो जीशान भाई, और ये काट दिया जीशान भाई ने, पट पे खींच के काट दिया, तीन पेज पूरे कर लिया जीशान भाई ने। भाई धूप बहुत तेज है और पतंग लग नहीं रही है, और पूरी टीम मेंबर देखिए यहाँ हम लोग को मक्खन लगाने हैं, पैर बढ़ाइए बढ़ाइए, ये सब लोग बैठे हैं और धूप बहुत तेज है, और जीशान भाई तीन काट के पतंग उतार ली, सब 9-2 मिनट हम भी सब्जी काटेंगे यहाँ से, कह रहे हैं यहाँ से सब्जी काटेंगे भाई, अब हवा आए हाँ देखेंगे देखेंगे, इतना लंबे कर देंगे कंधे तक आओगे, इनके ऊपर ऐसे चार गद्दे मारे थे इनके ऊपर, ये मामू है, मामू मारे बेड वाला, ये मामू वाला चौथा पे लड़ा रहे, रोक रोक के लड़ा रहे थे अपोजिटिंग में, ऊपर से जाने पतंग चलाते हुए नीचे जगह लेते हो बाहर का खींचते हो, और क्या पॉलिटिंग में सीधा कदम आते हुए, और ये खींच नहीं पाए डोर मारी थी, नीचे से लड़ा रहे हैं पापा अपना दूसरा पेज, अपोजिटिंग मेंबर ऊपर से जगह ले रहे हैं, पूरी टीम मेंबर हमें नहीं नीचे लेंगे जगह, हम आ गया तार है, तुम पीछे आओ, तुम्हारे पीछे जगह है, मोरंग के पास जाओ, पूरी टीम मेंबर यहां तार है यार, इधर आगे आगे बढ़ के भैया तुम करवा चुके हो, हां हमें ये तार है, तार पे लटकी है, उधर तार नहीं आगे बढ़ जाते, उधर तार है यार, ये तो देखो ये पैर है, हैं नीचे लगाएंगे, जीशान भाई पट्टेदार पतंग अपनी चमचमाती पतंग बढ़ा के जा रहे हैं,
कार वो डोर हमेशा फंसी, देख रहे गीटा ईटा ना हो, पतंग प्लग खींचने अपा लड़ा रहे नीचे से अपना दूसरा पेच, अब ओलिटिंग गेम्बर ऊपर से जगह ले रहे हैं, पापा उल्टे आग की तरह बढ़ते हुए, अपोजिटिंग नंबर गद्दा मार रहे हैं, पापा पतंग को चला रहे हैं अपनी, अपोजिटिंग नंबर सीधा गद्दा मारते हुए, पापा पट पे खींच रहे हैं, अपोजिटिंग अभी नहीं कटा, अपोजिटिंग ने उठा ली, दोनों प्लेयर खींचते हुए, पापा भी दौड़ा लिया है, पापा ने ताकत खींचते हुए, पापा ये काट दिया, ताकत से खींच के खड़े खड़े खींचा, काट दिया, दो पेज पूरे कर लिए। किसान भाई पीछे बता चच्चा खींच लिए, चच्चा पकड़ गए, इसे बता रहे थे। पापा लड़ा रहे नीचे से अपना तीसरा पेज, अपोजिटिंग नंबर ऊपर से जगह ले रहे हैं, पापा पतंग को चला रहे हैं, उठा लिया है अपोजिटिंग नंबर ने, हरे रहे हैं चक्कर पे छोड़े अपोजिटिंग नंबर, पापा रोके बाहर निकलते हुए, पापा खींचते हुए ताकत से सीधी खींचते पापा, पेज निकल गया फिर से, फिर से जगह ले रहे हैं पापा, अपोजिटिंग नंबर गद्दा मारते हुए, अपोजिटिंग नंबर गद्दा मारते हुए आए और पापा खींचने का मौका नहीं दिया, कट गए पापा। कौन है नुसरत भाई, तुम हो नकुल भाई लड़ा रहे हैं उधर से, और एक पेज काट दिया चच्चा को इन्होंने, अब की बार ओसामा ऊपर से लड़ाते हुए गड्ढे में खड़े हो गए, एकदम भारी पतंग नकुल की चमकाते हुए, पतंग दूसरा ले लो भैया, रुक जा तुम ले लो, रुक जा नकुल रुक जा यार, रे पतंग लो नुसरत भाई अपनी यार, पतंग नुसरत भाई ने बच्चे को पकड़ा दी थी, वो बीच में आ रही डिस्टर्ब हो रहा है, नकुल भाई हमारे दूसरा पेज लड़ाएंगे नीचे से, और ओसामा भाई लड़ाएंगे ऊपर से अपना पहला पेज, उसामा सीधा गद्दा मारते हुए नकुल भाई रोके थे, उसामा ने तेज तेज झटके दे के काट दिया नकुल भाई को, तेज तेज झटके दे के काट दिया। उसामा का दूसरा पेज नीचे से जगह लेते हुए, और ज़्यादातर अय्यागंज की जो टीम है उज़ैर की भारी पतंगे बहुत उड़ा रहे हैं, पतंग को उतारते हुए करीब करा नीचे से उसामा, पतंग को चमकाते हुए थोड़ा पीछे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे, और डोर फेंकी है ऐसे लगा पतंग टूट गई, और आगे ये तार है देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे है इसलिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिस तरह हम लोग है राइट हैंड पे, तो दूसरी टीम को जगह दी अंदर तो क्रॉस खींचा, रेहान आओ बाहर करो पतंग को बाहर, अभी नुसरत भाई आप भी पतंग उठाए रहिए, दोबारा से मुद्दा उतारते हुए उज़ैर लड़ा रहे हैं खुद कैप्टन हय्यागंज वाली टीम के, क्रॉस गड्ढा मारा अंदर तक खींचा, बहुत बढ़िया पेच काट दिया उसामा ने, दो पेच पूरे कर लिए, ये रहे उज़ैर भाई। तीसरा पेज ओसामा का विलेज टीम के लिए, करीब करते हुए भारी पतंग, थोड़ी राउंड लग रही लेकिन बहुत तगड़ी पतंग निकलता हुआ गद्दा मारा अंदर तक पट पे फिर से खींचा, और तीन पेज पूरे के लिए ओसामा ने बढ़िया पेज काट दिया, तीन पेज ओसामा ने काट दिए हैं, चच्चा डोर सही कर रहे हैं, और काफ़ी मेंबर अय्यागंज वाली टीम में आते हैं, नंबर मैंने आपको शुरू में ही दे दिया, तो जैसे ताबड़तोड़ शौक करना है वो बात कर सकता है उधर से, ये मेंबर बहुत है इनकी, और तो चौथा पेज ओसामा का जगह लेते हुए फिर से एक बार अंदर के मुद्दे पे ताकत से अय्यागंज की टीम के मेंबर, और पटाव बहुत कम कर लिया, देखिए ये खड़े हैं ओसामा और ये खड़े हैं दूसरी टीम के मेंबर, ओसामा पटाव देखो बहुत कम है, बगल में ही आके लड़ा रहे हैं, तो उसी हिसाब से खींचना है, टाइम बहुत मिलेगा, सीधी पतंग उतारते हुए अपोजिट टीम के मेंबर अंदर तक पहल करके खींचा, कटे झोल कटे और झोल कट गया, तो ये मेंबर ने भाई ने काटा है और सामा भाई काटा है, दोनों प्लेयर पहला पे लड़ाते हुए दिशान भाई जगह ले रहे हैं, अपोजिटिंग में पतंग को सीधा गड्ढा मारते हुए दिशान भाई, अपोजिटिंग में निकलता खींच रहे हैं, दिशान भाई सीधा मारते हुए पतंग घुस गई दिशान भाई की, और सीधा मुड्ढा आ गई पतंग दिशान भाई की, काट दिया पतंग भी आ गई, बहुत शानदार पेच काटा, खींच के काटा, और सब लोग कह रहे हैं कि हमें काट के दिए इनको काटे, दिशान भाई लड़ाएंगे ऊपर से अपना दूसरा पेच, अपोजिटिंग नंबर दूसरा लड़ाएंगे, दिशान भाई जगह ले रहे हैं, अपोजिटिंग नंबर काफ़ी जगह ले रहे हैं, दिशान भाई सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हुए, अपोजिटिंग नंबर दिशान भाई उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते हुए, अपोजिटिंग नंबर सीधे हाथ की तरफ, दिशान भाई सीधा गड्ढा मारते हुए रुके निकलते हुए गड्ढा मार रहे हैं, दिशान भाई ताकत से खींचते हुए और ये काट दिया, पतंग नहीं आई अभी दिशान भाई की, लगता है आ जाएगी, ये मुड्ढा उड़ गया,
तीन पेज पूरे कर लिए। ये बड़ा कुछ सबको चांस दे रहा है लेकिन कोई काट नहीं पा रहा है। तो चचा को भाई चांस दे दिए, सबको चांस दे रहे हैं। थोड़ी सी हवा शाम के समय आ गई है और ऊपर से ये भाई लड़ा रहा है। राइट हैंड की तरफ हवा दबी है डोर छोड़ते हुए चचा के ऊपर, करीब करके काफ़ी डोर छोड़ रहे हैं। चचा रोके हुए हैं, अंदर के मुड्ढे ऊंचा करा थोड़ा सा, फिर से ऊंचा करा करीब करते हुए। ये पतंग अंदर की कुछ ज़्यादा ही लग रही, देखते हैं पेज पे राउंड ना हो। करीब करा डोर फेंकी, बाहर का मुड्ढा चचा ने लिया, ताका से कहते हुए निकलता हमारा अपोजिट टीम के मेंबर। डबल हो रही देते थपकी मारी और चचा कट गए। तो बढ़िया पेज काट दिया और एक पेज पूरा कर लिया अपोजिट टीम के ये मेंबर ने। दूसरे मेंबर को लगता चांस मिलेगी उजैर को। जीशान भाई लड़ाएंगे फिर से ऊपर से अपना तीसरा पेच। अपोजिट टीम के मेंबर नीचे जगह ले रहे हैं। जीशान भाई गद्दा मारते हुए रुके, फिर से सीधा गद्दा मारते हैं जीशान भाई। और ऐसा सीधा गद्दा मारा कि अपोजिट टीम के प्लेयर की पतंग जैसे लग रहा है छुप से उछल गई। ऊपर चढ़ाएंगे जीशान भाई और अपोजिट टीम के मेंबर निकुल भाई वो खड़े हैं। और ऊपर से जीशान भाई गड्ढा बनाते हुए निकुल भाई हमारे, निकुल भाई पतंग चमका रहे। जीशान भाई सीधा गड्ढा मारते हुए चक्कर पे चोड़े हैं और निकुल भाई ने बहुत प्यारा पेट काटा जीशान भाई को। ये रहे जीशान, ये रहे अपोजिट टीम के मेंबर। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ काली पन्नी नवाजी पार्क के नीचे गांव की तरफ से सलमान भाई हमारे आए हैं एससी के मेंबर पतंग लड़ाने, गांव वाले से लड़ाने आए। ये मुझ बार ये रखिए दिखा दिया कि जीशान भाई लड़ाएंगे अब सातवां पेच। नकुल भाई हमारे छह पेच काट चुके हैं, अब सातवां लड़ाएंगे नकुल भाई हमारे। पतंग को चलाते हुए जीशान भाई मुड्ढा बना रहे हैं, रुके निकलता बना रहे साथ सीधी खींचते हुए निकुल भाई, जीशान भाई भी खींचते हुए। और ये सीधी सीधी कट गए जीशान भाई, गड्ढा आ गया कट गए अपोजिट टीम मेंबर ने। निकुल भाई ने सात पेज काट दी। तो आठवां पेज सलमान भाई लड़ा रहे हैं और ऊपर की चांस ले ली है नकुल ने। फटाव कम है, निकलता बताया बाहर का मुड्ढा बनाया सलमान ने, रोका रोके फिर से क्रॉस मुड्ढा बनाया, ताकत से खींचा बढ़िया पेज, पतंग टूट गई लेकिन पेज काट लिया था। तो नकुल भाई के सात काटे हुए पेज बेकार हो गए, बैड लक। और पतंग भाई बहुत लगता पीछे चली गई, ये देखिए बाय बाय करते जा रही है। अच्छा वो जो हमारी बांधी गिटे थे वो टूट गई, चलिए भाई हमारी बांधी हुई गिटा टूट गई, अब कह ले जो कि कहना है। तो ये रहा भाई नकुल भाई, रेहान छोटू चले गए थे इन्होंने ये पतंग से। बहुत बढ़िया आज हमारे गांव वाली टीम को नौ काटे हैं, खींच खींच के काटे हैं। और कहा तीन कटे हैं खाली यार, ये दो कटे। तो बढ़िया पेच काटा है और फिर लड़ गया, टाइम तो बचा है लेकिन भाई फिर से हवा चली गई है। और कुछ